أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله. देखिए, आपको बताया गया था इस आयत पाक में एक तीसरा वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया है जो एक अजीबो गरीब वाकया है। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतालिक वाकया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि ऐ परवरदिगार आलम, तू मुझे मेरी आंखों से इस बात को दिखला दे कि तू मरने के बाद जिंदा कैसे करेगा उस मुर्दे को। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह दरख्वास्त क्यों हुई? एक वाकया तो मैंने पिछले हफ्ते शायद आपको बतलाया था कि समंदर के पास से गुजर रहे थे और एक गधा मरा हुआ देखा। जब पानी चढ़ता था तो समंदरी जानवर जो गोश्त खोर होते हैं वो उसके गोश्त को नोच नोच के खाते थे, और जब पानी उतरने लगता तो वो पानी के अंदर भाग जाते थे, और जब पानी उतर जाता था तो खुश्की के जानवर आते थे और उसको नोच नोच के खाते थे। तो दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि कुछ इस जानवर का बहुत सारा हिस्सा समंदर के अंदर चला गया, बहुत सारा हिस्सा खुश्की के जानवरों के अंदर चला गया, अब दोबारा अल्लाह जिंदा करेगा तो ये अज्जा को जमा कैसे करेगा, आंखों से देखना चाहता हूँ। तब अल्लाह से उन्होंने दरख्वास्त की। तफसीर मजहरी के अंदर तो एक वाकया ये लिखा हुआ है, दूसरी एक तफसीर उसी तफसीर के अंदर ये लिखी हुई है कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये खबर दी कि अल्लाह ने आपको अपना खलील बना लिया है। तो उन्होंने कहा इसकी निशानी क्या है? कि जो दुआ मांगोगे अल्लाह वो कबूल करेगा। तो उन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह, तू मुझे मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा ये मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ, ये मुझे मेरी आँखों से दिखला दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सवाल किया हजरत इब्राहिम से, अवलम तुमिन, इब्राहिम क्या तुम्हें मेरी कुदरत पर यकीन नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस पर तुम यकीन नहीं रखते हो क्या? काला बला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है परवरदिगार आलम, तेरी कुदरत का तो हर हर लम्हा मुशाहिदा हो रहा है, हर हर आन तेरी कुदरत जाहिर हो रही है, एक एक सांस ये तेरी कुदरत का नमूना है, और तेरी कुदरत दिन रात जमीन और आसमान पर बरस रही है, तो तेरी कुदरत पर यकीन ना हो मुझे? ऐसा नहीं है। खाला बला, क्यों नहीं है मेरे परवरदिगार आलम, यकीनन तेरी कुदरत पर मुझे यकीन है कि तू ऐसा करेगा और तेरी ताकत है कि तू ऐसा करेगा, लेकिन ये सवाल मेरा सिर्फ किस लिए है? वलाकिन लियतमइन्ना कल्बी, आंखों से देखने के बाद मैं अपने दिल को एक मुतमईन करना चाहता हूं ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। इत्मीनान कल्ब के लिए परवरदिगार आलम मैं ये सवाल कर रहा हूं तुझसे। समझ में आ रही ना बात? यकीन तो पूरा पूरा है, ईमान पूरा पूरा है, लेकिन सिर्फ इत्मीनान कल्ब के लिए, क्योंकि इंसानी फितरत है कि जब किसी चीज को आंखों से देख लेता है तो दिल, अगर कुछ थोड़ा बहुत दिल के अंदर कुछ होता है तो वो भी दूर और खत्म हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आज दुनिया पे पूरे नजर डालिए, एक कारीगर, एक इंजीनियर अपनी चीज बनाता है, बनाने के बाद उसको
ये तो यकीन रहता है कि ये कामयाब होगी। बहुत कम होंगे जो नाकाम होने के बारे में वो रखते हों, लेकिन मुकम्मल इत्मीनान उसको कब होता है, जब वो उस चीज को तजर्बे में आने के बाद अपनी आंखों से देख लेता है। तो मिसाल के तौर पर आज दुनिया के अंदर जैसे एटमिक हथियार बनाए जाते हैं, आप देखा होगा, बात तजर्बा करते हैं उसका, आखिर क्यों तजर्बा होता है, आंखों से यकीन के बाद मुशाहिदा हो जाता है कि नहीं ये कामयाब है हमारा ये। तो इस हैसियत से मैं परवरदिगार आलम तुझसे सवाल कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं एक हदीस आपको समझा रहा हूं, है बड़ा इल्मी मसला, बहुत इल्मी हदीस है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आसान करने की। बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर ये रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नानु अहक्कु बिश्शक्की मिन इब्राहिम इज़ काला लियबीहि रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता। हम तो हजरत इब्राहिम से ज्यादा शक के हकदार हैं कि उन्होंने अल्लाह से सवाल कर लिया था कि अल्लाह तो मुझे मेरी आंखों से दिखा दे ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। उससे ज्यादा हकदार हैं कि हम अल्लाह से इस किस्म का मुतालबा करें। और फरमाया, वरहिम अल्लाहु लूतन लकद काना यावी इला रुकनिन शदीद। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, बिल्कुल तैयार नहीं मानने के लिए, तो उन्होंने एक जुमला कहा था, अगर मेरा बस चलता ना और मुझे कोई मजबूत पनाह मिलती ना तो मैं तुमको छोड़कर चला जाता यहां से। नबी है क्या, अल्लाह की कुदरत पर उन्हें यकीन नहीं था। जुमले देखिए ये इस वाक़े के तहत समझने के लिए। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया, वलौ लबिस्तु सिजना तूला मा लबिसा यूसुफ लाजबतु दाइया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितने दिनों में जेल में रखा गया, इतनी लंबी मुद्दत तक, अगर मुझे जेल में रखा जाता और मेरे पास बुलाने वाला आता बादशाह का कासिद, तो मैं कुछ उससे सवाल वाल नहीं करता, सीधा चला जाता। हजरत यूसुफ ने कहा, नहीं वापस जाओ, पहले जाके उन औरतों को पूरे हालात सामने की बादशाह वक्त के आना चाहिए, तब मैं आऊंगा वहां पर। समझ में आ रही बात। अब देखिए ये हदीसे पाक अपने जहन के अंदर रखिए। इन हदीसों के अंदर जो तीन जुमले हैं, तीनों जुमलों में अल्लाह के नबी ने आजिजी और इनकिसारी के तौर पर हजरत इब्राहिम और हजरत लूत और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा बतलाना चाहा है कि जब ये हजरात अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखने के बाद इस अंदाज का मामला कर सकते हैं तो मैं तो ज्यादा हकदार हूं, हालांकि बड़े आप हैं, लेकिन ये आजिजी और इनकिसारी के तौर पर कह रहे हैं। अब देखिए इस हदीस को समझ लीजिए। उलमा बुजुर्गों का जो सिलसिला होता है उसके अंदर दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, दो चीजें, एक मकाम उरूज और एक मकाम नुजूल। मकाम उरूज तो वो होता है कि आदमी जब उरूज पर यानी बुलंदी पर होता है तो तमाम इंसानी सिफत से बाहर हो जाता है बिल्कुल, और उसके अंदर बशरी नहीं बल्कि मलकूती सिफत, फरिश्तों जैसी सिफत पैदा हो जाती है। ये मकाम उरूज होता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मकाम उरूज देखिए, आप रात का भी रोजा रखते थे, दिन का भी रोजा रखते थे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप ये दोनों रोजे रखते हैं, हमें भी इजाजत दीजिए। आपने फरमाया, मुझे मेरा परवरदिगार खिलाता और पिलाता है, मेरी कैफियत अलग होती है, तुम उस कैफियत को नहीं पहुंच सकते। मना कर दिया फौरन, क्योंकि मैं इस वक्त पे जब रोजे रखता हूं रात के भी उस वक्त मकाम उरूज पर होता हूं। समझ में आई बात। और दूसरा होता है मकाम नुजूल, इतना नीचे उतर जाना, इतना नीचे उतर जाना कि एक आम इंसान की जो सिफत होती है वो अपने अंदर पैदा कर लेना। और जब तक ये नुजूल का जमाना नहीं होगा, उरूज वाला साहिबे उरूज जब तक नुजूल पर नहीं उतरेगा, तब तक उसकी दावत कामिल तरीके पर इंसानों तक पहुंच ही नहीं सकती। नुजूल पे आना पड़ेगा उसको, जिस पर दावत पहुंचा रहा है बिल्कुल उसके हम मिजाज बनना पड़ेगा उसको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये मकाम है उरूज और नुजूल। देखिए अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाता है कि अगर मैं इस रुए जमीन पर फरिश्तों को भेजता ना इंसानों के बजाय, तो नबी इंसानों को नहीं फरिश्तों को बनाकर भेजता, क्योंकि इंसान उनकी तरबियत उस वक्त नहीं कर सकता था,
मलकूती सिफत पैदा करनी पड़ेगी उनकी तरबियत के लिए। और फरमाया अगर मैं किसी फरिश्तों को इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजता, अल्लाह फरमा रहा है, तो पहले उसको मर्द बनाता और फिर इंसानियत का पूरा लिबास उसको पहनाता, फिर उसको नबी बनाकर भेजता। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मकामे उरूज देखिए और नुजूल देखिए, आपको पूरा यकीन है, ईमान कामिल है कि अल्लाह ने वादा कर लिया तो मेरी हिफाजत करेगा अल्लाह। वल्लाहु यासिमू का मीनन नास, ए नबी आपको हम लोगों से बचाएंगे, कुरान पाक की आयत है। लेकिन उसके बाद भी जंग के अंदर एक जिरा पे दूसरी जिरा पहनी, हिफाजत के लिए सेफ्टी के तौर पर खंदक खुदवाई पूरे मदीने के इर्द गिर्द। क्या अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं था आपको? था। मकामे नुजूल पर अब इस हदीस को लीजिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या हजरत लूत अलैहिस्सलाम का ये जुमला या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जुमला और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये जुमला दर हकीकत मकामे नुजूल पर उतरने के बाद बिल्कुल है। जब बिल्कुल एक आम इंसान जैसी कैफियत पैदा हो जाए, नबी का यकीन बहुत ऊंचा होता है, नबी का इत्मीनान बहुत ऊंचा होता है, सुकूने कल्ब बहुत ऊंचा होता है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दरख्वास्त अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल उस वक्त थी जब आप मकामे नुजूल पर थे, बिल्कुल आम इंसानों की सफ में उतर कर खड़े थे। समझ में आ रही ना बात? लिहाजा ये यकीन के मनाफी नहीं है ये चीज। उतर गए थे नीचे इतना कि आम इंसानों जैसा, एक आम इंसान होता है जैसे कि उसको आम चीजों के अंदर उमूमन शुबा होता है, शक होता है, लेकिन आंखों से देखने के बाद यकीन कर लेता है। तो मकामे नुजूल पर उतरने के बाद ये सवाल किया था। बात समझ में आई? इल्मी मसला था, हो सकता है समझ में ना आई। अब देखिए अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त को कबूल कर ली और अजीब व गरीब तरीका बताया। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम काला, अल्लाह ने फरमाया फखुज, ले लीजिए आप अरबातन, चार मिनत तैर परिंदे, इब्राहिम तुम चार परिंदों को ले लो, फसुर हुन इलई, फिर तुम उनको अपने पास पाल लो और इतना मिला और जुला लो अपने से, इतना अपने साथ उनको हिला लो कि एक आवाज पर वो तुम्हारे दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएं, इतना पहचान जाएं तुमको। वो चार परिंदे कौन कौन से थे? तफसीर मदारी में लिखा हुआ एक मुर्ग था, एक कबूतर थी, एक कौआ था और एक मोर था, और बाद जगह कबूतर की जगह गिद्ध आया है। ये चार परिंदे थे, इनको अपने पास पाल लो और इस तरीके पर पालो कि बिल्कुल तुमसे हिल मिल जाएं, घुल मिल जाएं, तुम इनको एकदम अच्छी तरीके से पहचानने लगो और ये तुमको अच्छी तरीके से पहचानने लगे। फिर ये करो कि इनको ज़बह कर दो, और ज़बह करने के बाद हड्डी पर गोश्त उनके जिस्म के एक एक टुकड़े का कीमा बना दो, बिल्कुल सब पूरा कीमा बना दो, एकदम कोई चीज अलग मत करो, हड्डी तक को चूर चूर कर दो, परों को काट काट के चूर चूर करके और गोश्त के साथ मिला के कीमा बना दो, और फिर उसके बाद ये चारों परिंदों को गोश्त को एक में मिला दो, इनके गोश्त को एक में मिला दो, और फिर उसके बाद ये सात पहाड़ जो है ना, इन सात पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले जाकर रख, और रखने के बाद फिर तुम उनको आवाज देकर बुलाओ, फसरहुन इलैक सुम्मा जाल, फिर रख दो तुम उनके गोश्त को, अला कुल्ली जबल हर पहाड़ पर, मिनहुन्ना उनमें के हर परिंदे का, जुज अन टुकड़े टुकड़े जो किया है आपने, सुम्मा फिर, उदउहुन्ना बुलाओ तुम उनको, पुकारो तुम उनको, या तीन का साया वो तुम्हारे पास दौड़ कर आएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको पाला, कीमा किया और पहाड़ों पर रखा, उसके बाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पुकारा उनको, खून का एक एक कतरा एक एक कतरे से मिला, पर का एक एक जुज से मिला, हड्डी का एक एक चूरा एक एक चूरे से मिला, गोश्त के तीमे का एक एक टुकड़े से मिलकर परिंदा पूरा तैयार होकर दौड़ता हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। कुरान कह रहा है यातीनका साया, इब्राहिम तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे,
उड़ते हुए नहीं, क्योंकि उड़ने में क्या होता है कभी कभी ओझल हो जाता है नजर से, हो सकता है दूसरा आ जाए, दौड़ते हुए आएंगे बिल्कुल नजरों से वही परिंदे और आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दरख्वास्त को इस अंदाज पर पेश किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन तो था ही, इत्मीनान कल्ब हासिल हुआ, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाकये के अंदर मुनकिरीन कयामत और दोबारा मरने के बाद जिंदा होने के इनकार करने वालों का खुल्लम खुल्ला जवाब दिया। मुनकिरीन कयामत और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने वालों का सबसे बड़ा एतराज तो यही है कि साहब इंसान का जुज मरने के बाद गल सड़कर पता नहीं कहां कहां हो जाता है, हवा में, मिट्टी में, खेत में, दरिया में, कहां कहां उड़ के फिर इन जर्रात को अल्लाह कैसे जमा करेगा, यही सबसे बड़ा एतराज। इस अंदाज पर अल्लाह ने जवाब दिया कि उनको भी इस शक का सारा इजाला हो जाए और वो अपने आंखों से वो भी मुशाहिदा करे। वैसे अगर इंसान अपनी जात ही पर गौर करे, सिर्फ अपनी जात पर गौर कर ले, तो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का वो कायल हो जाएगा, लेकिन गौर व फिक्र की फुर्सत कहां है किसी को। अल्लाह ने इंसान की जात ही को ऐसा बनाया है, माँ कहां की, बाप कहां का, खा पी कर बड़ा होता है, कहां कहां के जुज उसके बदन में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद एक इंसान तैयार होता है। जब इंसान की जात अभी पैदाइश के अंदर दुनिया भर के अज्जा से बनी हुई है, तो क्या दोबारा उन अज्जा को अल्लाह को जमा करने में कोई महाल और मुश्किल पेश आ सकती है। इसी वाक़े का इशारा इस आयत पाक के अंदर। अब एक सवाल पैदा हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, और नबी अपने जमाने का सबसे वजीह होता है, सबसे ज्यादा इल्म वाला होता है, सबसे ज्यादा जहीन होता है, और सबसे ज्यादा इल्म और यकीन के अंदर कामिल होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह सवाल कैसे पैदा हुआ, जवाब पहले आ चुका, यकीन के अंदर कमी नहीं थी, इत्मीनान चाहते थे। इससे पता ये चला कि यकीन अलग चीज है, इत्मीनान अलग चीज है। यकीन तो इसको कह सकते हैं कि आदमी किसी नबी पर एतमाद करके किसी गैब की बात को मान ले, ये यकीन है। और इत्मीनान दिल आंखों से देखने के बाद जिस दिल को सुकून हासिल हो जाए, इसको कहा जाता है इत्मीनान। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको किसी चीज पर यकीन तो हो लेकिन इत्मीनान ना हो। तो यकीन के अंदर कमी नहीं थी, इत्मीनान कल्ब के लिए सवाल था। दूसरा सवाल, भाई अल्लाह तो आलिमुल गैब है ना, अल्लाह तो जान रहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरा यकीन है, फिर सवाल क्यों किया, समझ में आ रही ना बात। भाई अल्लाह आलिमुल गैब, तो अल्लाह तो दिलों के भेद को जानता है, जब अल्लाह को मालूम था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरा पूरा यकीन है, फिर सवाल क्यों किया, क्या वलम तुमिन, क्या तुम्हें यकीन नहीं है मेरी कुदरत पर। असल में ये सवाल अल्लाह ने हम जैसे पागल दीगरेट और अकल से पैदल लोगों के लिए किया, हम जैसे लोगों को समझाने के लिए। अगर अल्लाह सवाल ना करता और इब्राहिम जवाब ना देते, बस मामला यूं ही रहता, तो हम कहते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं था, तभी तो देखना चाहते थे। अल्लाह ने फौरी तौर पर इब्राहिम से सवाल कर लिया, वलम तुमिन, क्या यकीन नहीं का, भला अय परवरदिगार आलम पूरा पूरा यकीन है, लेकिन लियत मईन न कल्बी, ताकि दिल को इत्मीनान हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जबान से ही हमारे सवाल का जवाब दिलवा दिया, हम जैसे अकल के अंधों के लिए, समझ में आई बात। तीसरा सवाल ये पैदा होता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है ना, हजरत अली फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व ताला गैब के सारे पर्दे मेरे नजरों से हटा दे, सारे गैब की चीजों को मैं आंखों से देख लूं, फिर भी मेरे इत्मीनान और यकीन के अंदर एक जर्रा बराबर ज्यादती नहीं होगी। क्या मतलब, यानी इतना मेरा यकीन और इत्मीनान पुख्ता है कि बिन आंखों से देखे जैसा मेरा इत्मीनान है, वैसे आंखों से देखने के बाद भी उसी दर्जे पर रहूंगा, ज्यादती नहीं होगी। तब ये सवाल पैदा होता है कि हजरत अली तो उम्मती है, जाहिर सी बात है उम्मती कितना भी बड़ा हो जाए नबी के दर्जे को तो पहुंचता नहीं है, तो क्या हजरत इब्राहिम का इत्मीनान हजरत अली से भी कम था। क्योंकि आयत तो इतना बतला रही कि बहरहाल उन्होंने इत्मीनान कल्ब के लिए अल्लाह से सवाल किया था, इतना तो पता चल रहा है कि इत्मीनान उनको पूरे तौर पर बगैर आंखों से देखे, ये मतलब आयत इतना बतला रही है। देखिए असल में इत्मीनान के कई दर्जे हैं, एक दर्जा तो वो है जो बहुत सारे औलिया और अल्लाह के नेक बंदों को हासिल होता है,
और इत्मीनान का एक दर्जा वो है जो उससे बढ़कर होता है जो नबियों को हासिल होता है, और इत्मीनान का एक दर्जा वो होता है जो नबियों में से भी बहुत खास खास लोगों को हासिल होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्मीनान के उसी दर्जे का मुतालबा कर रहे थे, वरना हजरत अली को जो इत्मीनान हासिल था वो पूरे तौर पर हजरत इब्राहिम को हासिल था, और इसकी मिसाल मौजूद है। एक बहुत ऊंचा दर्जा इत्मीनान का होता है, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बतला दिया जन्नत है जहन्नम है, क्या नहीं यकीन होगा? बोलिए, आपने नहीं माना होगा, यकीन नहीं हुआ होगा आपको, लेकिन मेराज में बुलाकर जन्नत भी दिखाई और जहन्नम भी दिखाई। क्यों? वो इत्मीनान का आला दर्जा मुशाहिदे के बाद दे देना चाहते थे। समझ में आई बात? जी हाँ, ये बात पूरी हो गई। अब एक नुक्ता मुफस्सिरीन ने बयान किया कि इस आयते पाक से पता ये चला कि हजरत इब्राहिम की फजीलत है हजरत उजैर पर। बहरहाल वो अल्लाह के खलील है, लेकिन नुक्ता भी यहां से मिला कि हजरत इब्राहिम फजीलत वाले हजरत उजैर अलैहिस्सलाम पर। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने भी तो मुर्दे के बारे में सवाल किया था, कैसे जिंदा करेंगे, और यहां भी वहां ताज्जुब के तौर पर था और यहां दुआ और दरख्वास्त इंतहाई अदब के साथ में है अल्लाह से। हजरत उदैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जवाब 100 साल के बाद दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब फौरी तौर पर दे दिया। इसे पता ये चला कि ये फजीलत हासिल है उनको, मकाम हासिल है हजरत इब्राहिम को। समझ में आ रही बात? देखिए, मैंने एक जुमला कहा आपसे, दुआ अदब और दरख्वास्त, दुआ के अंदर जितना अदब और इल्तिजा होगी, यहां पता ये चल रहा है जितना नीचे दर्जे पर उतर कर बंदा अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसको फौरी तौर पर कबूल करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ। ये आयत आपके सामने पूरी हो गई। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सही समझ नसीब फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين